चलिए आज हम आप लोगों को लेकर चलते हैं विज़न कॉलेज नजीबाबाद में, जहां पर फार्मेसी, पैरामेडिकल और नर्सिंग जैसे कोर्सेज की पढ़ाई की जाती है। नहीं, सोचे मत, सब्सक्राइब कीजिए। आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। दबा दिया। आगे बोलो। क्या नाम लिखते हैं? ये कौन है बे? क्या बात है? नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त डॉक्टर अनस एक बार फिर आपके साथ, और आज मैं कुछ आपके लिए एक ऐसी चीज लेकर आया हूं जिसको देखकर आप वाकई में कहेंगे कि वाह, आपने तो दिल खुश कर दिया। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। दोस्तों, मैं डॉक्टर अनस आपके लिए हेल्थ टिप्स लेकर आता हूँ, हेल्थ टॉपिक्स लेकर आता हूँ, नई नई चीजें एक्सप्लोर करता हूँ, सेहत से मुतालिक चीज़ें लाता हूँ, जिससे कि आप अपनी सेहत को बेहतर बना पाएं और आप एक खुशहाल ज़िंदगी जी पाएं, जिसका आपको हक है। लेकिन आज इन सबसे अलग मैं आपको कुछ और दिखाने और समझाने के लिए लेकर आया हूँ। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और उसके लिए आज हम थोड़ा सा बात शुरू करते हैं इन दो लाइनों के साथ कि कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये सिर्फ दो लाइनें हैं, वो भी इसी सरजमीन के एक मशहूर शायर जनाब दुष्यंत कुमार जी की, जिनका ताल्लुक है सरजमीन नजीबाबाद से, जो कि बिजनौर जिले का एक अहम हिस्सा है, एक अहम रुकन है। तो आज नजीबाबाद की बहुत ही काबिल फाजिल लायक एक शख्सियत से आपको मैं मुतवज्जे कराना चाहूँगा, मिलाना चाहूँगा, और जिसने बहुत कम समय में और अपने नाम को बनाया है। कहते हैं कि नाम इंसान लेकर पैदा होता है, लेकिन उस नाम को बनाने के लिए उसको एक ज़िंदगी लगा देनी पड़ती है। तो आज आप सभी के लिए, और मेरी वीडियो खासतौर पर आज की डेडिकेटेड है यंगस्टर्स के लिए, कि जो चाहते हैं जिंदगी में कुछ बनना, कुछ आगे बढ़ना और लाइफ में कुछ ऐसा करना कि जिनके नाम पर दुनिया कह उठे वाह। तो आज मैं आपको बिना किसी देरी के ले चलता हूं नजीबाबाद में मिलाने के लिए जनाब विजन कॉलेज के डायरेक्टर, विजन हॉस्पिटल के डायरेक्टर जनाब मोहम्मद अयूब साहब के पास चलते हैं। दोस्तों, आज इस शख्सियत से आपको मिलवाने के लिए, रूबरू कराने के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ। वो मेरे सामने है मशहूर और मारूफ शख्सियत जनाब मोहम्मद अयूब साहब। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि आज आपने हमें ऐसा मौका दिया और इस चैनल के माध्यम से एक हमें जरिया दिया जिससे कि हम लोगों से रूबरू हो सकें और आपकी संघर्ष की कहानी बता सकें। तो सर, कुछ अपने बारे में बताइए। डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले तो आपका विजन कॉलेज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप अपना कीमती वक्त निकाल करके आप नजीबाबाद जैसी छोटी सी जगह पर तशरीफ लेकर के आए, और जितने भी आपके चैनल्स के देखने वाले, जितने भी आपके श्रोता है, व्यूवर्स हैं,
उन सभी को मैं एक सजेशन और भी देना चाहूँगा कि आप डॉक्टर साहब के चैनल्स को देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, उसको फॉलो भी करते हैं। ये आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी व्यूवर्स को कहना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब एक वीडियो बनाने में, एक ब्लॉग बनाने में बहुत मेहनत करते हैं। अभी तक डॉक्टर साहब ज़िंदगी में मेहनत ही करते आए हैं और हमेशा डॉक्टर साहब की जो कोशिश होती है वो यही होती है कि किस तरीके से नई नई टेक्नोलॉजी जो कि हमें वक्त वक्त पर हमें मिल पा रही है, उस टेक्नोलॉजी को हम इस्तेमाल करके आम जनता तक कम से कम कीमत में उसका ट्रीटमेंट पहुंचा सके। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद आपका। मैं डॉक्टर साहब डॉक्टर मोहम्मद अयूब, डायरेक्टर ऑफ विज़न कॉलेज एंड विज़न हॉस्पिटल। हमने यहाँ पर अभी डॉक्टर साहब ने मुझसे थोड़ी देर पहले एक सवाल किया था। तो सर मैं चाहूँगा कि पहले आप अपने बारे में, हालांकि कहते हैं कि सूरज को चिराग दिखाने की ज़रूरत तो नहीं, लेकिन जो लोग आपको नहीं जानते उनके लिए आप अपना इंट्रोडक्शन दें कि अपने बारे में थोड़ा सा परिचय बताएं। डॉक्टर साहब मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अयूब है, नजीबाबाद का रहने वाला हूँ, यहीं पला बड़ा, इंटर तक की एजुकेशन यहीं से पूरी हुई। हमने डॉक्टर साहब 2018 में एक बीड़ा उठाया था कि नजीबाबाद में फार्मेसी, नर्सिंग, पैरामेडिकल कॉलेज की बहुत ज़रूरत है। उस चीज़ को देखते हुए हमने 2018 में इस प्रोसेस में लगे और आप लोग की डॉक्टर दुआ से 5 अगस्त 2019 में हमने नजीबाबाद को पहला फार्मेसी कॉलेज दे दिया, जिसका नाम रखा हमने विज़न कॉलेज नजीबाबाद। उसके बाद 2 साल कोरोना लगा, लेकिन हम लोग नहीं डगमगाए। आज आपकी दुआ से हमारे कॉलेज में डी फार्मा के 4 बैच पास आउट होकर के जा चुके हैं, बी फार्मा स्टार्ट हो चुका है, डिप्लोमा ऑटी टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपी, ऑप्टोमेट्री ये हमारे यहाँ पर इसी सेशन से स्टार्ट होने जा रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इन सभी कोर्सेज की हमारे शहर को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। आज लोग बाग आते हैं, दुआएं देकर के जाते हैं और हमें उनकी ऐसी ही दुआएं चाहिए कि आप लोग दुआएं दें, आपकी दुआओं से हमें और हिम्मत मिलती है ताकि हम और नई ऊर्जा के साथ में, नई मेहनत के साथ में और जो भी बेहतर से बेहतर कोर्सेज हो सकते हैं वो लेकर के आए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। सर एक मेरा सवाल, मुझे लगता है शायद क्वेश्चन होगा आपके लिए, आखिरकार इसके पीछे क्या वजह थी कि आपने विजन कॉलेज और विजन हॉस्पिटल ही नाम रखा? डॉक्टर साहब देख, समझ रहे हो ना कि होता क्या है कि हम लोगों के पास में सलाहियत होती है, पैसा भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन एक नहीं होता हमारे पास तो जिंदगी का कोई मकसद नहीं होता, कोई विजन नहीं होता। तो हमने सोचा कि हम अपने कॉलेज का नाम ही विजन रखेंगे ताकि लोगों तक ये संदेश अपने आप चले जाए कि जिस इंसान ने कॉलेज का नाम ही विज़न रखा हो उसका कोई विज़न कुछ लंबा चौड़ा होगा। और मेरा डॉक्टर साहब इरादा है कि यहाँ के क्षेत्र के लोगों की बहुत परेशानी है एजुकेशन के लिए, छोटे छोटे प्रोफेशनल कोर्स करने के लिए दूर जाना पड़ता है। मेरी ख्वाहिश है कि हम 12 से 14 साल के अंदर विज़न इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी हम आपको यहाँ पे दें। क्या बात, बहुत क्या बात है सर, क्या बात है। अरे सर क्या बात है, बड़ा विजन लेकर के चला हूँ डॉक्टर साहब। लोगों की दुआएं मिलती है, उनसे मेरी हिम्मत बनती है, हौसला बनता है और चाहता हूँ शायद को उसकी जरूरत है। तो सर हमारी जो यूथ है स्पेशली जिस कॉलेज से जुड़ी हुई है, आप भी कहीं ना कहीं किसी न किसी शक्ल में कॉलेज से जुड़े हुए होंगे। एजुकेशन तो फंडामेंटल राइट है और बहुत एक बेसिक नीड में, हालांकि माना जाता है कि रोटी कपड़ा मकान इंसान की बेसिक नीड है, लेकिन मुझे लगता है कि रोटी कपड़ा मकान के अलावा हेल्थ एंड एजुकेशन, ये 5 मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो 5 बेसिक नीड्स हैं, दैट शुड बी फुलफिल्ड फॉर एवरीवन, हर किसी इंसान के लिए ये पूरी होनी चाहिए। तो सर आपने दोनों 5 में से 2 चीज़ें जो हैं हेल्थ प्लस एजुकेशन को आपने कवर किया है, एजुकेशन और हेल्थ के, इसके बारे में आप ये बताइए कि इन्हीं 2 चीज़ों को आपने क्यों चुना? ये फंस गया सी है, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। डॉक्टर साहब देखिए आज के टाइम में सबसे बड़ी बात यह कि हम लोगों के पास कभी कभी होता है बेतहाशा पैसा होता है, नहीं होती है तो एक अच्छी सेहत नहीं होती है। अभी कोरोना के टाइम पे हमने देखा जो 2020-21 इनमें हमने देखा कि हर परिवार जो साहिब हैसियत भी था, लेकिन उनके परिवार से कोई एक भी बंदा कोई मेडिकल लाइन में नहीं था, तो तब जाकर के लोगों को महसूस हुआ कि कम से कम हमें अपने परिवार से एक बंदे को मेडिकल फील्ड में जरूर भेजना चाहिए, जिससे वक्त पड़ने पर, जरूरत पड़ने पर वो अपने परिवार की खिदमत कर सके, परिवार के इंजेक्शन लगा सके, उनको दवा दे सके, अपने मोहल्ले पड़ोस की खिदमत कर सके, देश की खिदमत कर सके। बहुत अच्छी बात कही सर आपने और बहुत बढ़िया आपके विचार हैं। बात तो सही है। बहुत अच्छा लगा।
थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को अपने संघर्ष की कहानी के बारे में और बताइए। ये जो आपको इतना बड़ा कॉलेज हॉस्पिटल दिख रहा है बहुत अच्छा है, लेकिन इसके पीछे जो अथाह मेहनत है वो तो शायद आपने जो की है वही आप ही जान सकते हैं, लेकिन उसके बारे में मैं चाहूँगा कि मेरे माध्यम से हमारे व्यूअर्स को, लिसनर्स को ये पता लगे कि आपने उसके लिए किस हद तक और कैसे कैसे अपने करियर को स्टार्ट किया और कैसे इस लेवल पर को पहुँचे। देखिए डॉक्टर साहब, किसी भी काम को करने के लिए अगर जो हमें काम जिंदगी में कोई बनाना है और रोज सुबह उठने से पहले हम अपने विजन को माइंड में सेट करके चलते हैं कि कुछ भी हो जाए, हालात कैसे भी हो, हमें एक काम करना है, तो एक दिन आप मजबूत होकर के जरूर खड़े होंगे। अल्लाह ताला की भी आपको मदद मिलेगी। ऐसा नहीं है लोग बाग कोशिश नहीं करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं 2-4-5-7 साल कोशिशें करते हैं, उनको लगता है शायद ये हमारी किस्मत में नहीं है, क्या पता 7 साल के बाद ही उनका भाग्य जागना हो। असली पावर दिल में होती है, लाइफ में बाय गॉड हमेशा इस बात को याद रखना। ओके सर, मैं आपके सभी श्रोताओं को डॉक्टर साहब कहना चाहूंगा, सभी व्यूअर्स को कहना चाहूंगा कि आप अपना एक विजन बनाएं, उसके पीछे दिन रात मेहनत करें, अथक प्रयास करें, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने की सोचें, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो देर सवेर आपको कामयाब होने से रोक सके। फाइन बट इट्स ग्रेट, आई लव इट। सर आपकी बातें सुनकर मेरे जो गूज बम्स हैं वो आ रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि मेरे यू नो इसको हम तो सर ये जो आपका विजन के बारे में आपने बताया कि हिस्ट्री में जब भी बात होती है रिवोल्यूशनरीज की तो विजनरी पर्सन्स का जिक्र होता है जिनका विजन था, और विजन तो आँख के लिए भी होता है कि यू मस्ट हैव हेल्दी विजन, और आपका विजन कुछ और है। विजन के बारे में अगर बात करें सर, विजन कॉलेज के बारे में बताइए कि इसमें क्या क्या कोर्सेज हैं, और इसमें जो हमारे जो व्यूअर्स हैं उसमें से एडमिशन लेना चाहते हैं तो किस तरह से हमारे यूथ के जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं, कैसे हाउ कैन दे गेट एजुकेशन फ्रॉम योर इंस्टीट्यूशन, कैसे वो आपसे जुड़ सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, जरा इस पर बताइए। देखिए डॉक्टर साहब, जो हमारा कॉलेज है विजन कॉलेज, अभी करंट टाइम में हमारे यहाँ पर फार्मेसी की पढ़ाई हो रही है, डी फार्मा बी फार्मा, ये हमारे यहाँ पर वो कोर्स जो मौजूदा चल रहे हैं। इसके अलावा अभी इसी सेशन से हमारे यहाँ पर डिप्लोमा ऑप्टोमेट्री, डिप्लोमा फिजियोथेरेपी एंड ओटी टेक्नीशियन के डॉक्टर साहब कोर्सेज हमारे यहाँ पर इसी सेशन से स्टार्ट हो रहे हैं। तो जहाँ तक डॉक्टर साहब सवाल है आपका कि विजन कॉलेज में क्या स्पेशल है, कौन से कोर्सेज हैं, उनके बारे में बताएं। देखिए डॉक्टर साहब, आज के टाइम में वही इंसान कामयाब है जिसने कोई ना कोई टेक्निकल एजुकेशन ले रखी है। मैंने डॉक्टर साहब यहाँ पर अपने क्षेत्र में उन कोर्सेज को लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इधर पढ़ें, उधर आप अपने पैरों पर खड़ा होकर के काम शुरू कर दें, आपको जॉब ढूंढने की जरूरत ना पड़े। आपने मैं किसी कोर्स को बुरा नहीं कहूंगा कि आपने ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, और उसके बाद दुनिया भर के आपने डिग्री डिप्लोमा कर लिए और दुनिया भर के आप एग्जाम दे चुके, लेकिन फिर भी आप कतार में खड़े क्योंकि जॉब नहीं है। तो उन सबसे अच्छा निकलने का तरीका यही है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश सरकार के हमारे मंत्री माननीय योगी जी, वो भी डॉक्टर साहब जितने भी स्किल्स प्रोग्राम है, जितने भी टेक्निकल एजुकेशन के कोर्सेज हैं, उनको बढ़ावा देने का मत उनका सिर्फ यही हैगा कि बच्चे वो कोर्स करें, इधर पढ़ें और इधर तुरंत अपना कामधाम स्टार्ट करें, तो इन्हें कोई जॉब की नीड नहीं है। सेल्फ एम्प्लॉयड फार्मेसी में डॉक्टर साहब, अगर जो आपने फार्मेसी के कोर्स को किसी बहुत अच्छे तरीके से किया है तो आपके कई सारी राहें जो आपके पास में इजीली खुल सकती है। आप फार्मेसी सेक्टर में जा सकते हैं, आप मार्केटिंग में जा सकते हैं, आप डॉक्टर साहब आप अपनी फार्मेसी खोल सकते हैं, आप अपने बहुत सारे काम फार्मेसी में कर सकते हैं, आप एकेडमिक में जा सकते हैं, वहां पे आप प्रोफेसर वगैरह आप बन सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर साहब ओटी टेक्नीशियन है का, आप ओटी टेक्नीशियन का कोर्स कीजिएगा, अच्छी डॉक्टर साहब जॉब पैकेजेस में मिलता है, फॉरन में बहुत डिमांड इसकी है। फिजियोथेरेपी अगर जो आप डीपीटी कर सकते हैं, आप सेल्फ का सेंटर डाल सकते हैं, किसी सर्जन से टाई अप करके वो आप उनके साथ में अपना सेटअप डाल सकते हैं। तो डॉक्टर साहब मेरा जो टारगेट रहा है यहाँ पे कोर्सेज लाने का, वो सारे ऐसे कोर्सेज लाने का है जो प्रोफेशनली टेक्निकली एजुकेशन से जुड़े हुए, यानी कि आपको अगर नौकरी ना मिले तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड बनकर अपने पैरों पर खड़े होकर माननीय मोदी जी की तरह के जो उनका विजन है कि आप आत्मनिर्भर बन सकते हैं। बिल्कुल। दूसरा डॉक्टर साहब, इसमें जो एडमिशन का आपने तरीका पूछा कि किस तरीके से आपके यहाँ पर एडमिशन लिया जा सकता है, डॉक्टर साहब हमारे यहाँ पर जितने भी कोर्सेज हैं इन सब को करने के लिए हमें इंटर पास आउट स्टूडेंट चाहिए होता है। अगर अच्छा
ठीक है। जो आपने इंटर पास आउट किया है साइंस स्ट्रीम से, चाहे बायोलॉजी से किया हो या मैथ से किया हो, तो आप हमारे यहाँ पर डायरेक्ट आकर के वेबसाइट पे जाकर www.visioncollegenajibabad.com पर जाकर के भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या डायरेक्ट लिंक में डॉक्टर साहब आपको नंबर प्रोवाइड करा देंगे, उस नंबर पे आप डायरेक्ट कॉल करके भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। इसके कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बहुत बढ़िया। और सर एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन, लास्ट तो मैंने बचा कर रखा है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, विजन हॉस्पिटल के बारे में कुछ बताइए सर। डॉक्टर साहब विजन हॉस्पिटल असल में क्या है, हम ही डॉक्टर साहब नर्सिंग के कोर्सेज स्टार्ट करने थे, तो नर्सिंग में कोर्स की पहली शर्त यही होती है कि आपका खुद का 100 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए। तो डॉक्टर साहब हम क्या करते थे, 4 साल पहले हमने रजिस्ट्रेशन कराया था, हर साल इंस्पेक्शन करा देते, लेकिन अब के डॉक्टर साहब पूरी शिद्दत के साथ में तैयार खड़ेंगे कि विजन हॉस्पिटल को 100 बेड के हॉस्पिटल को अच्छे से अच्छे तरीके से चलाना है, और इस हिसाब से रेट्स रखने हैं कि एक गांव का गरीब गोरबा तबका भी हमारे यहां पर आकर के अपना इलाज करा के जा सके। हमने डॉक्टर साहब अभी यहां पर जो जनरल सर्जन भी रखेंगे, फिजिशियन भी रखेंगे, ऑपरेशन थिएटर डॉक्टर साहब ने स्टार्ट करा दिया है, फीस बहुत नॉमिनल रखी है, ओपीडी का कोई चार्जेस नहीं रखा है। कमाल है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और लास्ट में जो क्वेश्चन मैंने बचा कर रखा था वो इसलिए कि आप सभी लोग नेट सर्फ करते हैं, यूट्यूब को देखते हैं, पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। आजकल एक चीज़ जो बड़ी ट्रेंडिंग में है वो है सीरियल, जो वेब सीरीज जो जारी है वो है सलाहुद्दीन अय्यूबी की। तो मुझे ये बात भी पता है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी की पर्सनालिटी से आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर हैं, लेकिन आजकल की इस खराब आबो हवा में अगर देखा जाए तो एक आपको संस्कृत पर बहुत अच्छी कमांड है, तो मैं चाहूँगा कि कुछ आपकी जबान से कुछ श्लोक संस्कृत में आए जिससे कि लोगों को पता लगे ये क्या बात करता है यार। संस्कृत की बहुत अच्छी नॉलेज होती है, और जो संस्कृत को पसंद करते हैं, बोलना चाहते हैं, और लेकिन संस्कृत तो हमारे देवों की भाषा रही है, और हमारा हिंदुस्तान शुरुआत से ही देव ऋषि मुनियों के इसमें रहा है। तो डॉक्टर साहब जब मैं बीएमएस कर रहा था, तो बीएमएस करते टाइम हमारा जो पहला ही चैप्टर था उसमें सबसे पहले यही था, हित अहित्यम सुख्यम दुख्यम मायुष तस्य हिताहितम मानचे तत्रोक्तम आयुर्वेद से उच्चते। इसका मतलब ये हो गया कि जो सही है सही की रक्षा करना, और जो अहिहितु है जिसकी मतलब तभी सही नहीं है, जिसका स्वास्थ्य सही नहीं है, उसके स्वास्थ्य की केयर करना, यही आयुर्वेद का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। तो सर जाते जाते वैसे मेरा लास्ट क्वेश्चन हो चुका है, सॉरी, बट एक आप सोच सकते हैं कि येलो कार्ड दिखा के मैं एक लास्ट क्वेश्चन और जानना चाहता हूँ कि आपको आयुर्वेद की इतनी अच्छी नॉलेज है, फार्मेसी से भी हैं, लॉ ग्रेजुएट भी हैं, तो एक बार आप, एक आध मिनट लगेगा आपको, लेकिन आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी हमारे व्यूवर्स को बता दीजिए। डॉक्टर साहब देखिए एजुकेशन का क्या है, मुझे सिर्फ पढ़ने का शौक है, जुनून की हद तक पढ़ने का शौक है। जब से माँ बाप ने बचपन से एडमिशन कराया था तब से अभी तक मैंने पढ़ाई छोड़ी नहीं है। मैंने गढ़वाल यूनिवर्सिटी से बीकॉम किया था, लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीएससी किया, बरेली यूनिवर्सिटी से एलएलबी किया, उसके बाद डी फार्मा डॉक्टर साहब किया हमने श्रीमती तारावती कॉलेज ऑफ फार्मेसी रुड़की से, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से, और उसके बाद बीएमएस किया 2017 बैच। तो अगर आपको बुरा लगे है तो मैंने सुना है कि जिसे कहते हैं कि घाट घाट का पानी पीने वाला व्यक्ति वो आप ही हैं। आपने घाट घाट का क्या है कि तजुर्बा है, और डॉक्टर साहब शौक है मुझे पढ़ने का, मेरा पढ़ने का जुनून ही है, शौक ही है, जिसे शायद आज मैं किसी हद तक खड़ा हुआ हूँ, ये मेरा जुनून ही है। मैंने डॉक्टर साहब जैसे भी आपको पहले बताया था कि किसी भी काम को करने के लिए जुनून की हद तक पागलपन होना चाहिए, बट वो पॉजिटिव अप्रोच वाला होना चाहिए। क्या हमें तरक्की करनी है, किसी के कंधे पर रख के बंदूक चला के तरक्की नहीं करनी, आगे बढ़ना है, दिन रात मेहनत करनी है, दुनिया की कोई ताकत आपको पीछे नहीं छोड़ सकती, ऐसा मेरा विश्वास है। एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया के लिए, और हम उम्मीद है बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय, सी यू। और आखिरी ने आज के इस टॉपिक की थी सिर्फ दो लाइनों से, और इसका एंड इख्तिताम भी मैं सिर्फ दो लाइनों से ही चाहूँगा कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग आते गए और कारवां बनता गया।
एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शब्बा खैर, टेक केयर, गुड बाय।